जाएगा शुरू से। इनको करना था मंडे से, पता नहीं क्या किया इनका। और मोदी के चार चार चूट ले बेचारे गए कहाँ। 150,000 उसमें से लोन काटा इन बैंक वालों दलों ने, जो इनको इमदाद मिली निकल गया बैंक वालों, जे एंड के बैंक वालों ने उनका लोन ही काट दिया। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा फर्ज है इनका? अगर इनको इमदाद मिलती है अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ जे एंड के बैंक वाले लोन काटते हैं इनका, ये क्या बात है? ये आगे जले हुए और जला रहे हैं इनको गवर्नमेंट, और बेचारे घर से बेघर, घर से बेघर टेंट में रह रहे हैं, गुजर हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ उनको सही खाना नहीं मिल रहा है, खाने की फैसिलिटी नहीं है, सही बैंक का लोन है यहाँ पे, जे एंड के बैंक का सबको टीपी वाल का मैनेजर वो कुछ मानते नहीं है जी, जिसको 50,000 रुपए डीसी ने दिया वो काटता उनको लोन में, वो क्या फायदा है? चेयरमैन साहब से भी बात करता हूं, ये क्या फायदा उनका चेयरमैन, ये सही सही भी गवर्नमेंट है, जे एंड के बैंक सोया हुआ है, गरीबों को काट रहे हैं, अभी वो मरे हुए हैं और मारो उनको, कोई परेशानी नहीं, कर देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बड़े दुख से यह कहता हूँ कि आज मेरा जो दौरा है बारामूला, ये जो कल आतिशबाजी की वजह से ये 15-16 मकान जो जले हैं, तो ख़ास करके मैं इसी हवाले से आज मेरा विज़िट बारामूला में था, तो मैंने देखा करोड़ों रुपये का जो ये नुकसान है ये यहाँ पर हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज 5-6 दिन हो गए इस वक्त तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया, जबकि डीसी साहब बारामूला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बर वक्त उन्होंने 50,000 रुपए जो हैं वो इनको एज इमदाद दिए। लेकिन दूसरी तरफ से मुझे ये भी दुख है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो उन्होंने एज़ पर प्रोटोकॉल जो उनका था इनको पैसे काटे, लेकिन इस वक्त उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बेचारे इस वक्त परेशानी में मुबतला हैं, और परेशान को परेशान ज़्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं रहता है। तो मैं इस वक्त फिर यहाँ पे जो भी ये जले हुए आतिशज़दगान हैं इनकी वसादत से, और हमारे KNS जो मीडिया ऑपरेटर साहब है इनकी वसादत से यहाँ की बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो फिर एक बार इसमें मुदाखलत करें, यहाँ पे आएँ और बर्फ़ से पहले पहले, नवंबर से पहले पहले इनके जो मकानात हैं इनको बना के इसमें इनको रिहैबिलिटेट करें। दूसरी बात यह है कि जो इनका लोन काटा गया है, मैं DC बारामूला से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर इनको बुलाएँ जम्मू कश्मीर बैंक वालों को, और उनसे ये कहें कि आज के दौर में जबकि मुसीबत में मुबतला हैं तो इनको ये पैसे जो है ना काटे जाएं बल्कि इनको वापस दिए जाएं। और तीसरी बार यह है कि मैं बारामूला के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बर वक़्त यहाँ पर आए उन्होंने इनको हौसला अफजाई की, क्योंकि मैं सुन रहा था बहुत चैनलों से उन्होंने ये भी कहा कि हम इनके साथ हैं, हम इनको ये मकान बना के देंगे, तो मैं इस आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके बाद में यह है कि मेरा जो दौरा है आज यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैं बड़ा परेशान हुआ इस मंजर को देख के, पुरनम आँखें हुई, तो इन मैं किस अल्फाज में किस ज़बान से ये कहूँ कि इन बेचारों पे ये कितना बड़ा हादसा हुआ है और ये बेचारे इस वक्त कितनी परेशानी में मुबतला हैं। बहरहाल मैं एज़ स्टेट प्रेसिडेंट AIP ऑल इंडिया पार्टी की वसादत से यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे हम इनको फ़िलहाल एक माह की राशन जो है मैं फ्री ऑफ द कास्ट, जितने भी ये हमारे यहाँ पे आतिशबाजगान हैं मुतासरीन हैं इनको मैं एक महीने की राशन प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद में इंशाल्लाह जब इनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो हमारा जो ट्रस्ट है अल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन श्रीनगर, तो उसकी जानिब से भी मैं इंशाल्लाह इनको भरपूर मदद करूँगा, और अपने पार्टी की अपने लोगों की तरफ से भी मैं इनकी भरपूर मदद करूँगा इंशाल्लाह। हमेशा मैं इनके साथ हूँ, था भी और हूँ भी। जो हमारी आवाम है मैं इस आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी इनके साथ कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारा मीडिया है KNS इनका भी मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि बर वक्त वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना लायो पेश किया, लोगों तक इनकी दाद फरियाद जो है पहुँचाई। तो इसके मजीद मैं इनसे इसी सिलसिले में मिलने आया था, और आज इंशाल्लाह
हमने इनकी हालत इजहार को देखा और इंशाल्लाह हम इस पे कदम उठाएंगे और मैं इनके साथ हूँ। इंशाल्लाह इसमें भी हम इनको जब इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी उसमें भी हम इनको इंशाल्लाह मदद करेंगे, फाइनेंशियली मदद करेंगे और ये मेरा इनसे वादा है। बाकी वसलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत दुख की बात है, दुख से कहना पड़ता है कि ये जो यहाँ के गरीब आवाम है इनको बेचारों को हादसा हुआ है, आतिशज़दगी से हादसा हुआ है। मेरे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कल फ़ोन किया, बहुत आंसू आए मेरे आंखों में, तो दुख हुआ मुझे इस बात का। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने हकीकी हालों में इसका देखा, अपने आंखों से देखा है। यहाँ तो इंसान को रहा नहीं जाता है क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, तो मज़दूरी करते हैं। और इनको डीसी साहब ने 50-50 हज़ार रुपया रिलीफ दिया है और बहुत अफसोस की बात है। मैं चेयरमैन जेएंडके बैंक से अपील करता हूं कि इनको वो लोन न काटा जाए ताकि ये अपना कुछ गुजारा कर सके। तो हम पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह इनको भरपूर मदद करेंगे, भरपूर मदद करेंगे। बाकी वसलाम।